ऐतिहासिक अवशेषों को देखकर ध्यान में एक बात आती है कि ये कब बना होगा, कब का होगा, इसका काल निर्धारण कैसे कर सकते हैं। विज्ञान ने इसके लिए एक पद्धति विकसित की है, उसको बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति। 1995 में प्रांतीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के लिए वैज्ञानिक और सरसंघ चालक रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह भागलपुर आए थे। वैसे तो पूछने के लिए बहुत लोगों के पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मेरे पास पूछने की चाह कम, सीखने की ललक ज़्यादा थी। मैंने पूछा, क्या कार्बन 14 पद्धति सटीक काल निर्धारण कर सकता है? उन्होंने अपनी डायरी खोली, नीट वाली कलम से थोड़ी सी स्याही छिड़की और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अपनी डायरी में कुछ लिखा और कहा, वैसे तो ये विषय यहाँ का नहीं है, लेकिन ये विषय मेरे अध्ययन और अध्यापन का जरूर है, इसलिए मैं इसे बताऊँगा। फिर उन्होंने बताया कि एक्सरे की रेटिंग क्या होती है और उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, और ये छोटी अवधि के लिए नहीं होती है बल्कि लाखों साल पुरानी वस्तुओं के लिए कार्बन 14 की पद्धति होती है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया एक प्रचलित दोहे को अपने भाषण के दौरान कभी कभी दोहरा दिया करते थे। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ी तीनी चले साधु शेर सपूत। ये पंक्तियां होती तो थीं कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन इन पंक्तियों की कसौटी पर रज्जू भैया खुद खरे उतरे। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले चीफ इंजीनियर के पुत्र, भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन और भाभा जैसे वैज्ञानिकों से सम्मान पाने वाले, हजारों विद्यार्थियों को जीवन का रास्ता दिखाने वाले, सैकड़ों राजनीतिज्ञों को विद्यार्थी जीवन से लेकर राजनीति तक का पाठ पढ़ाने वाले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया 1966 आते आते भौतिक शास्त्र छोड़कर भौतिकवादी समाज का मानस बदलने निकल पड़े। रज्जू भैया का जन्म 29 जनवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बनेल गांव में हुआ। उनके पिता का नाम कुंवर बलवीर सिंह और माता का नाम ज्वाला देवी उपाख्या आनंदा था। बलवीर सिंह स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम भारतीय मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर नियुक्त हुए। पिताजी की सादगी, मितव्ययता और जीवन मूल्यों के प्रति सजगता का विशेष प्रभाव राजेंद्र सिंह पर पड़ा था। नीम और जामुन के कुंज यानी झुरमुठों से होते हुए हमारी टीम बनेल गांव पहुंची। बनेल गांव में पिताजी बलवीर सिंह ने एक भवन बनवाया था। ये मकान लोगों के लिए आदर्श है, गांव के लोग अक्सर यहां आते हैं और रज्जू भैया के आदर्शों का पाथेय पाते हैं। समय बदला, घर के बच्चे बड़े हुए, बड़े बड़े ओहदे पर चले गए, इसलिए भी गांव का घर अब आते जाते बच्चों को देखकर ही खुश हो लेता है। वैसे इस मकान में रज्जू भैया के छोटे भाई सपरिवार रहते हैं। इसी मकान में सभी बच्चों का पालन पोषण हुआ था। जैसा मेरे पिता ने मुझे बताया, क्योंकि वो मुझसे लगभग 18 वर्ष बड़े थे, तो मैंने उनका बचपन स्वयं नहीं देखा, पर मेरे पिता ने, क्योंकि वो बहुत घनिष्ठ रूप से उनसे जुड़े रहे। रज्जू भैया इसी गांव में पैदा हुए और पिताजी कहते थे कि यहाँ प्राइमरी में उन्होंने दाखिला भी लिया था, जो उस समय एक पाठशाला थी, लेकिन फिर रज्जू भैया शायद साल भर बाद ही या 6 महीने बाद ही फिर पिताजी सभी को ले गए, और इसलिए रज्जू भैया का बचपन उस तरह से यहाँ बनेल में नहीं गुजरा, लेकिन पहले जीवन के 4, 5 वर्ष तो यहीं बीते। अच्छा, तब लेट पढ़ना शुरू करते थे, तो 5 वर्ष का उन्होंने दाखिला हुआ होगा, पर फिर उसके बाद चले गए और फिर वो नैनीताल के किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़े, और वहाँ नैनीताल के स्कूल से उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज किया। अब सीनियर कैम्ब्रिज फर्स्ट ईयर होती थी, सेकंड ईयर करना
अलग इंटर कॉलेज से करना था, तो वो फिर रुड़की से उन्होंने रिक्वेस्ट करके वहाँ जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि अब ऐसे लड़के को जो एक साल तो वहाँ पढ़ाया हो, दो साल का कोर्स कैसे करेगा, तो फिर वो इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन वहाँ से किया और फिर बीएससी में आगरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए। रज्जू भैया का घर आंगन है, लेकिन वो जानता है कि यहाँ केवल रज्जू भैया को पूछने वाले ही अब आएंगे। वो कमरा जहां आकर वो रुकते थे वहां पिताजी की फोटो सबसे ऊपर लगी है। रज्जू भैया की यादें भी हैं। प्रेमपाल जी वो कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने रज्जू भैया के बारे में सुनी थी। पिताजी बताते हैं कि रज्जू भैया इतने गांव के उसमें इतने रुचि लेते थे कि गांव में आ जाते थे तो कई बार गांव में आप समझते हैं उस समय महामारी पड़ती थी तो जो काम करने वाले थे वो सब एक साथ बीमार पड़ जाते थे, तो बाकी तो चलिए कोई सब काम चल जाएगा लेकिन चारा तो पड़ेगा ना, हरा चारा भैंस को और बैल को मिलना चाहिए। तो पिताजी बताते हैं कि मैं जब मशीन चलाता था तो रज्जू भैया शायद 10-12 वर्ष का ही रहा होगा, 10-12 वर्ष का रज्जू भैया उस मशीन को उसमें मूठा लगाते थे। पिताजी कहते थे भैया घोड़सवारी सीखोगे, तो हाँ चाचा घोड़सवारी सीखेंगे। तो घोड़े रहते थे दो, घोड़े मेरे समय में भी रहे हैं, मैंने भी घोड़सवारी सीखी पर रज्जू भैया ने सीखी, छुट्टू भैया बहुत अच्छी घोड़सवारी करते थे। प्रेमपाल सिंह की पत्नी राजकुमारी सिंह भी घर के बारे में बताती हैं और रज्जू भैया की बताई हुई बातें भी सुनाती हैं। जब भी वो घर आते थे तो पूरे घर में घूमते थे, फिर बताते थे बच्चों को कि यहाँ पे हमारी माँ मट्ठा चलाती थी और हम मक्खन के इंतजार में रहते थे कि कब मक्खन मिलेगा, निकलेगा ताजी, जिसे लौनी कहते हैं देहात की भाषा में, जो मट्ठे के ऊपर निकलता है ना उसे लौनी कहते हैं, तो उसके लिए तैयार रहते थे। नाश्ते में उन्हें बाजार का खाना नहीं पसंद था कि बाजार से मंगा के हम नाश्ते में इधर उधर का रखते हैं, हाथ की पनफती जो होती थी ताजी मक्खन से मट्ठे के साथ लेते थे। और पकौड़ी भी पसंद थी, पकौड़ी में विशेषकर साबुत मिर्च की पकौड़ी। बनेल में पिता कुंवर बलवीर सिंह का बनाया हुआ एक और भवन है। घर में रज्जू भैया के एक भाई रहते हैं। वो कहते हैं कि रज्जू भैया वर्ष में एक बार हर साल घर आया करते थे, सभी लोगों से मिलते भी थे, उनकी ही प्रेरणा से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, इस घर के चमकते हुए सूरज थे और ये सौभाग्य मुझे 71 के बाद ही मिला, शादी के बाद जब मेरी शादी हो गई तभी दर्शन लाभ हुआ उनका। उसके बाद हर वर्ष ये सौभाग्य मिलता रहा क्योंकि वो गांव में एक बार जरूर आते थे मिलने के लिए हम लोगों से, और हम लोग खुर्जा रहते थे इसलिए पहले दोपहर को खुर्जा मिलते रहते थे हमारे साथ और रात को गाँव आ जाते थे। बनेल गाँव में ही उनकी पहली शिक्षा हुई, बुलंदशहर, नैनीताल, उन्नाव और दिल्ली के बाद बीएससी और एमएससी की पढ़ाई प्रयाग में हुई। यही समय था जब इनकी प्रैक्टिकल परीक्षा लेने आए नोबल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने इन्हें देखा। सीवी रमन छात्र राजेंद्र सिंह की प्रतिभा को भांप गए और छात्र राजेंद्र सिंह को न्यूक्लियर फिजिक्स में एडवांस रिसर्च के लिए अपने साथ काम करने का आग्रह किया और वैज्ञानिक के रूप में फेलोशिप देने की बात की, लेकिन राजेंद्र सिंह का मन कहीं और रमा था। सर सीवी रमन उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनर थे एमएससी फाइनल में, और जब प्रैक्टिकल में उनको 90 से ऊपर मार्क्स दिए उन्होंने तो उन्होंने फिर ऑफर किया कि राजेंद्र सिंह तुम हमारे साथ, हमारी वो रमन लेबोरेटरी थी बंगलोर, चलो। तो रज्जू भैया ने कहा जी मैंने तो अपना जीवन संघ को दे दिया तो मैं नहीं जा सकता, मुझे क्षमा करेंगे। तो बाद में उन्होंने गुरुजी से कहा रमन साहब ने कि आपने एक बड़ा वैज्ञानिक देश से छीन लिया, तो गुरुजी ने हंसकर कह रहे रमन साहब हिंदुस्तान में आपको बहुत वैज्ञानिक मिलेंगे पर हमें दूसरा रज्जू भैया नहीं मिलेगा।
इसी तरह एक बार फिर महान वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा ने उन्हें नाभिकीय भौतिकी में शोध के लिए 1947 में प्रधानमंत्री नेहरू से अनुमति लेकर परमाणु विज्ञान की ओर लाने की कोशिश की तो उन्होंने संघ कार्य को अपनी प्राथमिकता बता दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने फिर भाभा को कहा कि ऐसी क्या बात है, उसे मुंह मांगी तनख्वाह देने की बात करो। इस पर भाभा ने कहा कि बात पैसे की नहीं है, उसके जीवन की प्राथमिकताएं अलग हैं। बाद में जब दूसरे सरसंघ चालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर से डॉक्टर भाभा की भेंट हुई तो भाभा ने कहा, आपके कारण हमने भारत का एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक खो दिया। श्री गुरुजी का उत्तर बड़ा ही सहज था। उन्होंने कहा कि आपको बहुत वैज्ञानिक मिल जाएंगे, परंतु हमारे पास तो एक ही रज्जू है। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1940-42 में संघ का ऐसा विशाल स्वरूप भले ही न रहा हो, लेकिन कार्य प्रणाली, उद्देश्य और शाखा पद्धति वही थी जो आज है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रज्जू भैया लाल बहादुर शास्त्री के संपर्क में आए थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस के बजाय संघ ही रास आया। जब भी कोई बात आती थी तो रज्जू भैया, उसको मैंने एक बात आपसे कही कि वो रज्जू भैया कहते थे, राजनीति प्रेमी बनो, राजनीति जीवी मत रहो। ये हम लोगों का हमेशा, विशेष रूप से मुझ पे तो ये प्रभाव हमेशा के लिए पड़ गया। जीवन के 20वें वर्ष में रज्जू भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए। उस समय के बिरले वैज्ञानिक ही न्यूक्लियर फिजिक्स जानते थे, तब रज्जू भैया इस विषय के एक्सपर्ट माने जाते थे। रज्जू भैया के बारे में जो कहा जाता था एज ए टीचर, वो उनके स्टूडेंट बताते थे जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहा, कि रज्जू भैया का जो विद्यार्थी एक बार रह लिया विशेष रूप से MSc में, वो फिर जीवन भर उनको भूलेगा नहीं। अध्यापन के साथ साथ उनका संघ कार्य भी जारी रहा। खुले मैदान में संघ की शाखा लग रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में की थी, जिसमें स्वयंसेवकों को नित्य ही भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार होने की प्रेरणा दी जाती थी। संघ में प्रचारक व्यवस्था भी प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू की। राष्ट्र की सेवा के लिए जो घर बार छोड़कर समाज के निर्माण के लिए समय दे और प्रचारक जीवन तक विवाह भी न करे, संगठन की अद्भुत क्षमता रखने वाले डॉक्टर हेडगेवार के आह्वान पर बड़ी संख्या में ऐसे युवक प्रचारक बन रहे थे। वो क्रम और वही व्यवस्था आज भी जारी है। प्रयाग में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का संपर्क संघ से हुआ और वो नियमित शाखा जाने लगे। 1943 में रज्जू भैया ने काशी से प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लिया। वहां शिवाजी का पत्र जयसिंह के नाम विषय पर श्री गुरुजी का बौद्धिक हुआ, जो रज्जू भैया के लिए बड़ा ही प्रेरक साबित हुआ। भौतिक शास्त्री प्रोफेसर राजेंद्र सिंह में वैज्ञानिक, किसी बड़े वैज्ञानिक की संभावना देख रहे थे, और राजेंद्र सिंह पराधीन राष्ट्र के बिखरे वैभव को समेटने में जुटे थे। धीरे धीरे वस्तु निर्माण से आगे बढ़कर व्यक्ति निर्माण उनकी प्राथमिकता होती गई। उन्होंने घर में बता दिया कि वे विवाह नहीं करेंगे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की जीवन यात्रा वस्तुतः समाज की यात्रा थी, संघ की यात्रा थी। जीवन में जो कुछ था वो संघ था, उसी के आधार पर राष्ट्र निर्माण करना था। बहुत छोटे थे हम, 6th या 7th में पढ़ते थे। जैसे वो शाखा पे बैठे, शाखा में अक्सर जो बड़ा अधिकारी आते हैं ना, तो बैठक लेते हैं 10-15 मिनट। तो उन्होंने सबसे परिचय किया। परिचय करने में किसी के, उसके बाद जो है शाखा के बाद कमर थपथपाई, उससे हमको एक बहुत बड़ा बल मिला कि हमारी शाखा में दुगनी तिगनी संख्या हो गई। एक दिन आया ज
जब 1966 में उन्होंने विश्वविद्यालय की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार का दायित्व यानी वे क्षेत्रीय प्रचारक के दायित्व पर आ गए। 1975 में जब देश का लोकतंत्र आपातकाल का ग्रास बन गया, यानी देश में इमरजेंसी लग गई और उसके नाम पर देश में लाखों लोगों को जेल में ठूंस दिया गया, तब रज्जू भैया ने भूमिगत संघर्ष चलाने का अनोखा रास्ता अपनाया। वे प्रोफेसर गौरव कुमार के छद्म नाम से देश भर में प्रवास करते थे, जेल में जाकर विपक्षी नेताओं से भेंट करते थे और उन्हें एक मंच पर आकर चुनाव लड़ने को प्रेरित भी करते थे। इन्हीं सब प्रयासों से इंदिरा गांधी की तानाशाही का अंत हुआ। राजकुमारी सिंह भी बातों बातों में लोकतंत्र के उस काले अध्याय की चर्चा करती हैं। वे हैरत में कह उठती हैं कि जालिम सरकार के उस तंत्र को एक सीधा साधा पढ़ने लिखने वाला प्रोफेसर ऐसे भी चकमा दे सकता है। एक बार इमरजेंसी में जब मेरे पति मीसा बंदी थे, उस समय बीच में आए भेष बदल के, हेडवेट लगा के अचानक मेरे घर में आए, किचन में आए, तो मैं थोड़ी सस्पेंस में रही कि अचानक गांव के घर में कोई जेंट्स इस तरह से किचन तक में कौन आ जाता। तब उन्होंने मुझे एक ही बात कही, छत्राणी हो, छत्राणी की तरह से रहना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे भैया वहां परेशान हो जेल में। 1977 में रज्जू भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह बने, 1978 में सर कार्यवाह और 1994 में सर संघ चालक। 11 मार्च 1994 को रेशम बाग नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय डॉक्टर हेडगेवार भवन के सभा मंडप में सर संघ चालक बाला साहेब देवरस ने सर संघ चालक का दायित्व प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को सौंप दिया। सर संघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया ने 6 वर्षों तक देश विदेश का प्रवास करते हुए इस दायित्व का निर्वाह किया। वर्ष 2000 में उन्होंने यह उत्तरदायित्व कुप्पाहल्ली सीतारामैया सुदर्शन को सौंप दिया। उन्होंने कहा था, स्वयंसेवक के नाते मैं पहले की तरह सारे कार्य तत्परता पूर्वक करता रहूंगा और यही अंतिम इच्छा है कि अपने प्रिय संघ कार्य की वृद्धि और विकास में आखिरी सांस तक योगदान कर सकूं। प्रयाग में उनका एक बड़ा भवन था जिसे सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दिया गया। वहां सरस्वती विद्या मंदिर चलता है और एक हिस्से में संघ कार्यालय। स्वागत है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। ये परम पूज्य रज्जू भैया की जमीन पर बना हुआ है, उनका एक पैतृक निवास था जिसमें कि विशेष संघ कार्यालय और आधे से अधिक भूभाग में ये विद्या मंदिर और शिशु मंदिर। 1955 में उत्तर प्रदेश में गो हत्या प्रतिबंधक कानून बन गया था। उस समय मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि नेहरू के खास सहयोगी और कांग्रेसी मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका श्रेय भी रज्जू भैया के व्यक्तित्व को ही जाता है। जब गोरक्षा विधेयक के बारे में बात शुरू हुई तो मुख्यमंत्री पंत जी ने कहा, रज्जू तू क्या जाने, अधिनियम की प्रक्रिया और राय सहमति। रज्जू भैया ने फिर कुछ समझाने की कोशिश की लेकिन पंत जी अपनी बात पर डटे रहे। अंत में मुख्यमंत्री पंत ने कहा, देख रज्जू, मेरी तुझसे दुगनी आयु है, जब तू मेरी आयु का होगा तब समझेगा। तब एकाएक रज्जू भैया ने कहा, पंत जी मैं दुगनी गति से जीवन जी रहा हूँ। यह सुनकर पंत जी ठहाका मारकर जोर से हंस पड़े, कहा, अच्छा रज्जू तू जीता, कानून बनेगा। और इस तरह उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम आया। बनेल गांव के लोगों ने रज्जू भैया को काफी पास से देखा है। यहाँ एक बड़े भारी पहलवान हुआ करते थे पंडित यादराम जी, तो वो उनसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा, कहिए भाई साहब कैसा स्वास्थ्य है, देख लो भैया पहलवान रहे थे, अच्छा लग रहा है। तो
तो वो रज्जू भैया से मैं समझता हूँ दसवीं वर्ष बड़े थे, 97 वर्ष की उम्र में उनका शरीर हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब वो रज्जू भैया राम नाम का दुपट्टा डालते थे तो वो भाई साहब को एक पहनाया, तो उन्होंने रख दिया एक दुपट्टा कि ये भैया जब मैं मरूँ ना ये रज्जू का दिया हुआ दुपट्टा है तो मेरे कफन के ऊपर इसे डालना। तो उनके बच्चों ने वो प्रिजर्व रखा और वो ही डाला। उनकी कक्षा में आने वाले कई छात्र ऐसे थे जो बाद में बड़े राजनीतिज्ञ बने। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी रज्जू भैया के प्रिय शिष्यों में से थे, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इनसे काफी प्रभावित थे। रज्जू भैया के समय में एक संघ की राजनीतिक दृष्टि बनी थी। मैंने एक बार पूछा था रज्जू भैया से, मैंने जो है आप जानते थे कि अटल जी की सरकार गिर जाएगी, अटल जी कोई समर्थन नहीं देगा, फिर भी आपने 13 दिन की सरकार बनवा दी। अरे बोले और कब तक इंतजार करवाते, 57 से MP थे अटल बिहारी वाजपेयी, 39 साल हो गए थे। तो ये तो हो कि जनसंघ भाजपा की सरकार बन सकती है, गिरी तो जाएगी, इसलिए बनाया, जानबूझ के बनाया। रज्जू भैया ने मुझसे उस समय कहा था 2001 में कि दो लोगों पर ध्यान रखना विशेष रूप से। तो मैंने कहा ये कौन, बोले एक तो नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बना के भेज दिए गए हैं, वो उसमें डैश है, और दूसरे रामलाल। रामलाल जी रज्जू भैया के साथ सहायक के रूप में रहे थे। तो बोले रामलाल में भी बड़ी प्रतिभा और बड़ी संगठन क्षमता और बड़ा धैर्य है। गांव में उनके पिताजी के नाम पर एक इंटर कॉलेज बनाया गया है। इसका उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने किया। रज्जू भैया भी उस समय यहां आए थे। लौटते समय उन्होंने कहा एक बार और पिताजी को देख लूं। इसके बाद वे यहां नहीं आ सके। अंतिम समय तक सक्रिय रहते हुए 14 जुलाई 2003 को पुणे के कौशिक आश्रम में रज्जू भैया ने अपना शरीर छोड़ दिया। उनका कोई भी विद्यार्थी उनके गांव की माटी तक को प्रणाम करता है। 94 में मैं दिल्ली से गांव आ रहा था तो सामने एक सीट पर एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि राम जन्मभूमि पर साधु संत क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। जितनी मुझे जानकारी थी उतना उत्तर मैंने उन्हें दिया। जब खुर्जे पे आकर मैं ट्रेन में से उतर के नीचे को चला तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम देशपाल सिंह है, गांव बनेल। मेरी उम्र उस समय 40 साल के आसपास थी। वो तुरंत खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में उन्होंने पैर पकड़ के माथा रख दिया। मैं घबराने लगा कि कोई बहुत बड़े आदमी ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उनसे पूछा आप ये कर क्या रहे हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं, पुनर्जन्म में तुमने कोई कर्म ऐसा किया है जिस मिट्टी को मेरी आंखें आज तक देख नहीं पाई, तुमने वहां जन्म लिया है। मैंने पूछा साहब आपका परिचय। मेरा नाम है बनवारीलाल शर्मा और मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं सर्वोदय का कार्यकर्ता हूँ, गौहत्या आंदोलन में से दिल्ली से आ रहा हूँ, BSc में मैं परम पूजनीय रज्जू भैया का विद्यार्थी रहा हूँ।